मिन्हाज उस सिराज कब वो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनके पुस्तक का नाम तबकात और नासिरी रखा गया था। तबकात का अर्थ होता है खंड या अध्याय। तबकात का अर्थ होता है खंड या अध्याय। इनका पुस्तक 1246 से लेके 1265 के बीच के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो मिन्हाज उस सिराज थे उनका जो जीवन था वो कुलीन परिवार से संबंध रखते थे। मिन्हाज उस सिराज उनका विवाह भी कुलीन परिवार में हुआ था और उन्हें उच्च शिक्षा भी उन्होंने कुलीन परिवार से लिया था। इसके कारण हमें ये पता चलता है कि वो कुलीन परिवार से संबंध रखते थे, कुलीन परिवार से थे। तो उन्होंने अपनी योग्यता की वजह से दिल्ली सल्तनत दरबार में कई महत्वपूर्ण पद हासिल किए। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में कई महत्वपूर्ण पद हासिल किए थे और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आए थे उनको काजी पद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उनको काजी पद पर नियुक्त किया गया था। इसी वक्त अपने ऐतिहासिक साहित्य को पूरा किया था। जो मिन्हाज उस सिराज थे उन्होंने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जब आए थे, उन्होंने जब काजी पद पर नियुक्त हुए थे तो उन्होंने अपना पुस्तक ऐतिहासिक साहित्य को पूरा किया था, अपने पुस्तक को लिखा था, जिसका नाम नसरुद्दीन मुहम्मद के नाम पर था, तबकातत और नासिरी। यही पुस्तक है तबकातत और नासिरी जो नसरुद्दीन के शासनकाल में लिखे थे उन्होंने काजी पद पर जब नियुक्त थे। यह राजनीतिक इतिहास है। ये जो पुस्तक है ये राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें बताता है, जो दो भागों में बांटा गया था। पहले भाग में तो आदम से लेके खलीफाओं तक के बारे में जानकारी मिलती है। आदम से लेके खलीफाओं तक के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरे भाग में प्रारंभिक तुर्कों जो मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी जो भारत पे आक्रमण किए थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलता है, एवं दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तान जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश एवं नसरुद्दीन इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलता है। उनके दूसरे भाग से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलता है और तुर्कों के साथ भारत आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। और हमें पहले भाग में आदम से ले के खलीफाओं तक के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है और मिन्हाज सिराज अनुवंशिक शैली के इतिहास लिखे थे। जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने अनुवंशिक रूप में इतिहास लिखा था। जिस तरह उसने हर राजवंशों का इतिहास बारी बारी से अलग अलग अध्यायों में लिखे हैं, इसी तरह उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में भी अलग अलग अध्यायों में इतिहास लिखे हैं। इसे कोई अनुवंशिक शैली बोला जाता है, जो अलग अलग अध्याय खंडों में जो लिखा हुआ हो। तो इसके इतिहास में वार्षिक इतिवृत्ति शैली की भी झलक मिलती है। जो मिन्हाज उस सिराज थे उनके इतिहास लेखन में हमें वार्षिक इतिवृत्ति शैली का भी झलक मिलता है, जिसके तहत उन्होंने हर वर्ष की घटना का जिक्र उसी वर्ष के अंतर्गत क्रम अनुसार किया है। इन्होंने जो मिन्हाज उस सिराज थे उन्होंने जिस समय की घटना थी उसी समय उन्होंने क्रम अनुसार किया था, लेकिन उन्होंने तिथि को घटना से नहीं जोड़े हुए थे। मिन्हाज उस सिराज ने इतिहास लिखने की बड़ी कमजोरी पहले तो कमजोरी इनकी ये थी कि उन्होंने उन्होंने इतिहास लिखने में स्रोतों का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, पहली कमजोरी वो थी यही थी। और इसके बावजूद दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास एवं कुलीन वर्ग राजनीतिक इतिहास एवं एवं कुलीन वर्ग के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिलता है। क्योंकि राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें इसलिए जानकारी मिलता है क्योंकि जो मिन्हाज उस सिराज थे वो दिल्ली सल्तनत में उन्होंने सुल्तानों के दरबार में आके रहते थे। उस टाइम के जो इतिहासकार होते थे इसीलिए वो सुल्तान लोग राजा के अधीन रहते थे, राजा के
की आज्ञा करते थे, क्योंकि उनको सुविधा मिल सके कि राजदरबार में अच्छे से रहने के लिए अपना पुस्तक अच्छे से लिख सके। इसी कारण उन्होंने ज़्यादातर अपना जोर राजनीतिक इतिहास और कुलीन वर्ग का दिए थे। कुलीन वर्ग इसलिए दिए थे, दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने कुलीन वर्ग से संबंध रखते, इसलिए उनको कुलीन वर्ग के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। दूसरी कमजोरी ये थी कि इसने घटनाओं के साथ साथ तिथि क्रम को नहीं जोड़ा है। मतलब कि जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने घटनाओं के बारे में लिखा था, पर उसी वर्ष में क्रम अनुसार लिखे थे, पर लेकिन तिथि क्रम को उन्होंने नहीं जोड़ा था। और मिन्हाज सिराज के बारे में एच सी वर्मा जो इतिहासकार थे उन्होंने मिन्हाज सिराज के बारे में लिखते हैं कि तबकातत अनासरी मिन्हाज सिराज का एक कृति थी, जो उनका तबकातत अनासरी जो पुस्तक था वो एक कृति थी जिसमें उसने आदम से लेके खलीफाओं एवं नसरुद्दीन के 14वें अध्याय के बारे में है। जो HC वर्मा है वो लिखते हैं कि जो तबकातत अनासरी जो उनका पुस्तक है मिन्हाज सिराज का, वो आदम से लेके खलीफाओं एवं नसरुद्दीन के 4वें अध्याय के बारे में लिखा गया हुआ है, और तबकातत अनासरी 23 अध्यायों में लिखा गया है, 34 अध्यायों में बांटा गया है, 23 अध्याय में लिखा गया और इसको 34 अध्यायों में बांटा गया है, और इसमें 25 अध्यायों में अमीर वर्गों के बारे में लिखा गया है, अमीरों कुलीन वर्गों के बारे में, क्योंकि मिन्हाज सिराज कुलीन परिवार संबंध रखते थे, इसीलिए उनको और भी ज़्यादा जानकारी थी, तो उन्होंने और भी अच्छाई अमीरों के बारे में लिखा हुआ है 25 अध्यायों में। तो इस प्रकार हमें मिन्हाज सिराज ने तीन विशेष शैली में इतिहास की रचना की है। पहला शैली अनुवंशिक शैली, दूसरा सांस्कृतिक शैली और तीसरा वार्षिक इतिवृत्ति शैली। इन तीनों शैली से प्रयोग से उन्होंने अपना इतिहास लिखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीन शैली जो मिन्हाज सिराज थे किन तीन से किन किन शैलियों के साथ लिखे थे, किन कितने शैली के साथ, तो तीन शैली महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद करिए, देख लीजिएगा लोग। और लास्ट में कहा जाता है कि जो इनकी जो लेख लंबी अपितु नीरसजनक थी, क्योंकि इन्होंने इतिहास तो लिखा था पर उन्होंने घटनाओं के साथ तिथि को नहीं जोड़ा था, जिससे पता नहीं चला कि हाँ किस समय लिखा गया था, किस तिथि में। इसी कारण इनको थोड़ा इनका जो इतिहास था वो निराशजनक था। इसके बावजूद इसने कृति के कई जानकारी हमें हासिल होती है, फिर भी हमें इनके इतिहास से बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं अमीर वर्गों के बारे में, राजनीतिक इतिहास, उसके बाद में आदम से लेकर खलीफाओं तक के बारे में, भारत में तुर्क आक्रमण जो मोहम्मद गौरी गजनबी का जो था, और उसके बाद में हमें दिल्ली सल्तनत सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये मिन्हाज जो सिराज थे वो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने अपना पुस्तक लिखा था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में मैं जियाउद्दीन बरनी के बारे में आपको वीडियो दूंगा, जो जियाउद्दीन बरनी ने दिल्ली सल्तनत में कौन से बुक लिखे थे और उस बुक में क्या खास था उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो लाऊं, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुँच सके। सो थैंक यू मेरे वीडियो देखने